अनुराग आईने के भीतर आराधना को दुल्हन बना देखता है। जी तो कर रहा है कि यहीं तुम्हें रोक लूं और बाहें फैलाकर पूछो, मुझसे शादी करोगी आरू? नहीं नहीं नहीं, बस करो अनुराग, मेरे लिए आज के दिन को तकलीफ भरा मत बनाओ, मैं सचमुच धीरज के साथ खुश रहूंगी। अनुराग खुद को संभालता है और आराधना के सिर पर चुनरी लंबी उड़ाकर घूंघट कर देता है। चलो तुमको ले चलो, इस घर से आखिरकार तुमको छुटकारा मिल ही गया। आराधना की विदाई का समय जैसे ही नजदीक आया, वह सहम कर कमरे के बेड को पकड़ लेती है और पंखे को निहारती है। शांति हो अनुराग, मैं इससे लटक कर अपनी जान देने को थी, बस दो पल ही बचे थे मेरे पास और उसमें भी मुझे तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। कसम से दिल भी ना कितनी अजीब चीज है, छोटी सी है, कभी इसे कोई भा जाए तो उसकी तस्वीर उस छोटी सी जगह के भीतर कोने कोने में ठूस देती है ये, और कभी कोई दिल तोड़ दे तो वहां से खाली भी कर देती है। क्या बकवास कर रही हो आरू, खबरदार, जो अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची भी तो तुमने, खबरदार। अपनी परवाह बचा कर रखो बाबू, अब तो तीसरी आए उससे करना, चलो बाहर चलते हैं। कोई नहीं आएगी अब, कोई भी नहीं, चित्रा जा चुकी है, सोचा उसे मना कर ले आऊंगा, पर वो किसी और के साथ बिस्तर में, छी। अच्छा, पर वो तो मैं भी धीरज के साथ, तो फिर मुझे कैसे? अनुराग कोई जवाब नहीं देता है और आराधना बाहर आती है। सारिका चावल की थाल थामे थी। जब तुम बहू बनकर आई थी तब हमने तुम्हें वो लाड नहीं दिया भाभी, मगर आज तुम बेटी बनकर जा रही हो यहाँ से, ये सब रस्में पूरी करके जाओ। आराधना चावल पीछे फेंकते हुए जाकर कार में बैठती है और सुशीला भी आकर बैठ जाती है। सारिका और वीर दूसरी कार से आने लगते हैं। तो क्या आप सब वहां तक चलोगे? मेरी बेटी के फेरे मैं क्यों ना देखूं? हाँ, ऐसा कैसे होगा? पर हम सब वहां क्यों जा रहे हैं यार, कितना इमोशनल माहौल हो जाएगा ना। तुम सब जो, हम वहां जाकर कोशिश करेंगे ना कि कैसे की भाभी और धीरज की शादी रुक जाए, चलो ना। और कार ही रुकती है मंदिर के बाहर। मंदिर लाइटिंग से चमक रहा था। सब कार से बाहर आते हैं। आरू को घूंघट की वजह से दिखने में दिक्कत हो रही थी तो वह लड़खड़ा जाती है। तभी अनुराग उसका हाथ थाम लेता है और उसे गोद में उठाकर मंडप तक ले जाने लगता है। मंदिर में दूल्हा बना धीरज दूर से ही दिखाई दे रहा था। मंदिर पास आते ही अनुराग आराधना को जमीन पर उतार कर पलट कर जाने लगता है। आराधना उसका हाथ थाम लेती है। अंदर नहीं आओगे अनुराग, मेरी शादी नहीं देखोगे? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है आराधना, तुम जाओ, भगवान तुमको सुखी जीवन दे। अनुराग पलट कर जा रहा था कि तभी सारिका सुशीला दोनों उसे आंख मारती हैं। फिक्र मत करो भैया, हम भाभी को लेकर ही आएंगे, आप घर जाओ, हम आते हैं। अनुराग कार में बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हे भगवान, तू है तो आज ये शादी मत होने दे, मत होने दे। मुझे मेरी आराधना लौटा दे। धीरज सीढ़ियों में आकर आराधना को थाम कर ऊपर आता है। सारिका सुशीला अपनी हरकतें शुरू कर देती हैं। कभी पैसा देकर पंडित को खरीदने लगती हैं, मगर पंडित मना कर देता है। तो कभी हवन सामग्री गायब करती, मगर धीरज ने वो सभी एक्स्ट्रा लाकर रखा था। आराधना घूंघट में जरूर थी, मगर वह सब नोटिस कर रही थी। छोटी माँ जी, बस अब रहने दो, मैं जानती हूँ आप दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं, मगर रहने दो, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी आगे की जिंदगी धीरज के साथ ही गुजरेगी। और ये सुनकर सारिका सुशीला अपनी हिम्मत छोड़कर सीढ़ियों में बैठते हैं और सिर पकड़कर आंसू बहाने लगते हैं। उधर पंडित मंत्र पढ़ रहा था और धीरज आराधना फेरे ले रहे थे। विवाह संपन्न हुआ, आस्या पति पत्नी हुए। ये सुनकर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को गले लगाते हैं। आखिरकार हम एक हो ही गए ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है आरू, सबसे खूबसूरत। तुम संग रहने के लिए तो मैं ये 7 वचन क्या 700 वचन भी मानने को तैयार हूँ। चल बेटिया, अब घर वापस चल, सब लुट चुका है, कुछ नहीं बचा अब। और सुशीला सारिका लड़खड़ाते से गाड़ी में बैठते हैं और धीरज भी अपनी दुल्हन को बाहों में भरकर वहां से ले जाते हैं। आखिरकार एक जोड़े को तो हैप्पी एंडिंग नसीब हुई। आपको कैसी लगी ये, या आप कुछ और चाह रहे थे? मैं जानती हूँ अब शुरू होगी लोगों की कमेंट बॉक्स में शिकायत कि शर्मा राइटर ने हमारी बात नहीं सुनी, पर दोस्तों याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है। आगे देखिए, सुशीला सारिका घर में आते हैं। अनुराग अंधेरे में बैठा था, वह उनको आता देख एक्साइटेड हो जाता है। मॉम, कहाँ है आरू? छोटी, कहाँ है आराधना भाभी तेरी? बोलो कोई तो, तुम दोनों ने कहा था कि तुम उसे ले आओगे, तो कहाँ है वो? वो जा चुकी है अन्नू, वो जा चुकी है।
हमने आखिरी फेरे तक कोशिश करी थी भैया कि भाभी वापस आ जाए, मगर अब वो जा चुकी हैं। आप भूल जाओ उनको। सुशीला रोते हुए अनुराग को सहलाकर अपने कमरे में चली जाती है और उधर सारिका वीर के साथ अपने घर में चली जाती है। और यहाँ रह गया था अनुराग एकदम अकेला, तन्हा, वीरान। भूल जाओ उसे भूल जाओ। हाँ भूल जाऊंगा, कितना आसान तो है भूलना। हाँ भूल जाऊंगा, पर इस सीने का क्या करो, सहता दर्द क्यों हो रहा है इसमें, कैसे सहते हैं ता दर्द, जाने से पहले ये तो सिखा जाती आरू। अनुराग उठकर आराधना के कमरे में जाता है और अलमारी से उसकी काली साड़ी निकालकर उसे बिस्तर पर बिछाकर उसके बाजू में लेटकर उसे आराधना समझकर सहलाता हुआ रोते रोते सो जाता है। और ऐसे करते करते ना जाने कितने दिन बीत गए थे। अनुराग रोज काम से आता, बिना किसी को कुछ बोले आराधना की साड़ी को पास रखकर उसके साथ ही सोता। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सुशीला को बहुत फिक्र होने लगती है और वो सारिका को भी बुला लेती है। चल मेरे साथ। सुशीला सारिका के साथ एक घर के बाहर जाती है और बेल बजाती है। इतनी सुबह कौन आ गया हमारे घर? ओह, ये चेहरे तो बड़े ही जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्या बात है, आज इस पुरानी बहू का ख्याल कैसे? जालिम बुढ़िया और लालची ननद जी, आप कैसे पधारे हैं मेरे यहाँ? सुशीला सारिका अपनी झोले चित्रा के सामने फैला लेते हैं और रोने लग जाते हैं। चित्रा बेटा घर वापस चल, अन्नू ठीक नहीं है, उसे तेरी जरूरत है। ओ प्लीज, पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अनु को बोलना उसका ये हाल मेरी वजह से हुआ है। मेरी हाई जो लगी है, ऐसी हॉट शॉट बीवी को छोड़कर उसे उस बहन जी में इंटरेस्ट था ना, तो जाए अब उसी के पल्लू में, मेरे यहाँ उसकी अब कोई और दाल नहीं गलेगी। तभी कमरे से एक लड़का निकलता है और पीछे से आकर चित्रा को बाहों में थाम कर किस करता है। ओ बेबी, ये सुबह सुबह क्या औरतों के साथ बातें कर रही हो, चलो ना बेडरूम हमारा वेट कर रहा है। भाभी ये कौन है? मीट विद माई लिव इन पार्टनर सानी। लिव इन, इसका मतलब आप भैया से प्यार नहीं करते थे? प्यार और मैं, नो वे, मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। अनुराग मेरी जरूरत था, अब उसी जरूरत नहीं पूरी हो रही थी तो क्या रोती। प्यार मोहब्बत बाप का घर ये सब तो बस कहानी थी, क्योंकि तेरा भाई था तो एकदम सॉलिड हॉट मर्द। अच्छा बाय द वे, मैंने सुना है मेरी सौतन कम बहन जी की शादी हो गई है, तो तुम सबने ठुमका मारा कि नहीं? हाँ। और चित्रा दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। सुशीला सारिका चौहिया सा मुंह लेकर जाने लगती हैं। अब समझ आ रहा है मम्मी, हम आराधना भाभी के साथ कितना गलत करते थे, ये सब उसी का कर्म मिला है हमें। और बस दिन कब महीनों में बदल गए पता ही नहीं चला। अब अनुराग के घर में बहुत शांति रहती थी, मगर रात के अंधेरे में रोने की सुबकियां जरूर गूंजती थी। आराधना कहाँ चली गई तुम? बीते महीनों में अनुराग को आराधना की जब भी बहुत याद आती थी, वह आराधना को कॉल लगाता मगर उसका फोन बंद था। यहाँ तक कि आराधना से जुड़े लोगों का भी फोन बदल चुका था, यानी आराधना ने सबसे कॉन्टैक्ट ही खत्म कर लिया था और वो सच में आगे बढ़ चुकी थी। और एक दिन झोला लिए दरवाजे से फूफी अंदर आ रही थी। अनुराग, सुशीला, सारिका सब उसके पांव छूते हैं। अरे बाप फूफी, आज तो बिना बताए ही। वसु रिश्तेदार के वहां से मन भर गया था तो यहाँ आ गई। मेरे बच्चे कैसे हैं? ठीक नहीं लग रहे, नई बहू चली गई ना? ये आपको कैसे पता? अरे फूफी से कुछ छिपता नहीं रहता, अभी मिली थी कल ही हमको, हम भी सोचे तुम्हारी खोज खबर भी जाकर ले आते हैं। आराधना मिली थी सुनकर अनुराग के कान खड़े होते हैं और वो फूफी के पांव के पास बैठकर बेचैनी से नम आंखों से पूछता है। मिली थी फूफी? कहाँ मिली थी आरू? और कैसी है वो? क्या वो खुश है? अब कैसी दिखती है? और वो कहाँ गायब हो गई थी? आपके पास उसका कोई नंबर है क्या? अरे बस बस, एक सांस में ही कितने सवाल पूछेगा। हाँ वो तो मस्त है एकदम, और दिखने तो एकदम लम टमाटर जैसी लग गई, गोल गप्पे जैसी गोल। इतनी मोटी हो गई क्या भाभी? हाँ पेट से जो है। ये लाइन सुनते ही अनुराग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। अब उसको आराधना के लौटने की जरा भी उम्मीद नहीं बची थी। शादी के बाद बच्चा तो पति पत्नी को जोड़कर रखने की सबसे बड़ी कड़ी होती है, और बच्चे का मतलब आराधना अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अनुराग की आंख तले आंसू आकर अटक गए थे। अरे बहुत ही प्यारी बच्ची है, भगवान उसे अब वो सारी खुशियां दे जिसकी वो हकदार है। कल जब मैं नटवर के साथ मॉल में गई थी तो इतनी भीड़ में भी मुझे पहचान कर आकर मेरे पांव छूने लगी, मेरा हाल पूछने लगी, जाने से पहले मेरे हाथ में 500 का नोट भी पकड़ाई। मॉल की एक स्टोर में फूफी घुसी हुई थी और चीजें उठाई हुई थी। अरे बाप रे, ये नकली का कछुआ 2000 का,
ए लुटेर खोरो, तुम चलो हमारे गांव में 2000 में तो हम तुमको कछुआ की पूरी जॉइंट फैमिली ही दे देंगे, मियां बीवी बालक सहित। सब फूफी की बातों पर हंस रहे थे। वही शॉप में पीट करके एक लड़की कानों में जब ये आवाज पड़ती है तो वह पलट कर देखती है, जो कि आराधना ही थी। आराधना फूफी के पास जाकर उनके पांव छूती है और फूफी उसे गले लगा लेती है। अरे बिटिया, तू यहाँ तो क्या अन्नो भी आया है? आया है तो बुला ले, चल उससे भी मिल लो। मैं और अनुराग अब साथ नहीं है फूफी, आराधना फूफी को पूरी कहानी बताती है। पर आप कभी मेरे यहाँ आओ ना, हम बहुत बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगी और उन सब नलायकों को लाऊंगी। फूफी नहीं, अब मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, प्लीज सबको वहीं रहने दो ना। मैं खुश हूँ अपनी इस नई जिंदगी में, अब तो ये लात भी मारने लग गई है बदमाश। अच्छा, लड़की ही होगी ये पता है? लड़का हो या लड़की, उसे मैं लड़की के जैसा सेंसिटिव ही बनाऊंगी फूफी, ताकि जो मैंने सहा है फिर वो कभी और किसी के साथ ना हो। अच्छा ले, मेरी ओर से शगुन रख। आराधना फूफी की मुट्ठी बंद करके उन्हें खुद पैसे देती है। फूफी आप लो मेरी ओर से, अब मैं कमाने लगी हूँ तो अब मेरी बारी आपको देने की है। फूफी खुश होती हैं, दोनों गले लगते हैं। एक सेल्फी ले लें अब, नटवर ने नया फोन दिलाया है, व्हाट्सएप भी चलता है उसमें। और आराधना और फूफी मस्त सेल्फी ले लेती हैं। अनुराग फूफी के फोन में आराधना को जूम करके देखता है। अब उसके अटके आंसू रुक नहीं पाते और बहने लगते हैं। आराधना फिर से रंगों के साथ थी। फूफी कहाँ मिली थी वो आपको, बताओ ना फूफी। फूफी उसे जगह का नाम बताती है और अनुराग दौड़कर घर के बाहर भागता है। तो क्या अनुराग खोई आराधना से फिर मिल पाएगा? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए देखिए तेरी दुल्हन सजाऊंगी का आखिरी ब्लॉकबस्टर एपिसोड केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।